Hey guys, welcome to Design Diary by Esha. I am interior designer Esha Garg. सबसे पहले आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं. I hope आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी रही होगी. मैं भी festivals and traveling में busy हो गई थी, तो 2 वीक से वीडियो नहीं बना पाई. लेकिन मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आप सब वीडियो का वेट कर रहे थे. आप सब ने मैसेज किया, DM किया मुझे कि आपका वीडियो कब आएगा, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई. इसीलिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक न्यू सीरीज़ जिसका नाम है फिक्स इट ब्यूटीफुली. इस सीरीज़ में हम बात करेंगे उन प्रॉब्लम्स के बारे में जो इंटीरियर डिज़ाइन करते समय आपको फेस करनी पड़ती है. ये एक इंटरैक्टिव सीरीज़ होगी जिसमें आप अपने प्रॉब्लम्स मुझे पूछ पाएंगे. As this is the first video for this series, मैंने 5 problems select की हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे आज. Next time से जो आपके problems आप मुझे बताएंगे वही problems हम discuss करेंगे. इसलिए do consider subscribing because यहाँ आपको मिलेंगी बहुत सारी new चीज़ें. यहाँ हम discuss करेंगे उन problems के बारे में जो structures के साथ ही रहती हैं. उन्हें हम change नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ideas and tips के साथ उनका इफेक्ट कम ज़रूर कर सकते हैं. तो आज मैंने जो प्रॉब्लम सिलेक्ट की हैं उनको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट प्रॉब्लम है कि अगर आपके रूम की हाइट बहुत बड़ी है या बहुत हाई है आपका रूम, तो आपको क्या करना चाहिए. कई बार हम पुराने घर को रिनोवेट करते हैं जहाँ सीलिंग्स बहुत हाई होती हैं, जैसे 12 फीट 14 फीट. ज़्यादा हाइट भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, कोई भी डिज़ाइन सिंक पे नहीं जा पाता है. उसे ओवरकम करने के लिए आपको अपनी स्पेस हॉरिजॉन्टली डिवाइड करनी चाहिए. ये आप कर सकते हैं कोई बीडिंग डिज़ाइन डाल के, या फिर 2 कलर्स यूज़ करके, जैसे लोअर हाफ में आप एक कलर करें, अपर हाफ में आप लाइट कलर करें. ऐसे आप हॉरिजॉन्टली अपनी स्पेस डिवाइड कर सकते हैं. दूसरा, आप ये कर सकते हैं कि अपनी फॉल्स सीलिंग लेवल थोड़ा सा डीप ले सकते हैं. इससे भी काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट कम हो जाता है. सेकेंड प्रॉब्लम ये हो सकती है कि अगर आपकी सीलिंग काफ़ी लो है, मोस्टली फ्लैट्स में ये प्रॉब्लम आती है, और फॉल सीलिंग प्लान करने के बाद तो सीलिंग काफ़ी लो हो जाती है, तो हम स्ट्रक्चरली सीलिंग इंक्रीज तो कर नहीं सकते, तो हमें इल्यूजन क्रिएट करना चाहिए एक्सटेंडेड हाइट का. इससे ये बेनिफिट होता है कि स्ट्रक्चरली कुछ ना करते हुए भी आपको एक्सटेंडेड हाइट की फील आती है. इसमें आप अपनी डोर्स और विंडोज़ को फुल्ली कवर कर सकते हैं पैनलिंग से. कवर करने से आपकी स्पेस वर्टिकली डिवाइड होती है, जिसके वजह से आपको एक्सटेंडेड हाइट की फील आती है. दूसरा, आप ये कर सकते हैं कि अगर आप वॉलपेपर यूज़ कर रहे हैं तो आप वर्टिकल डिज़ाइंस लीजिए. इससे भी आपको एक्सटेंडेड हाइट की फील आएगी. थर्ड प्रॉब्लम ये हो सकती है कि अगर आपके रूम में नेचुरल लाइट बहुत कम है. ये तब होता है जब आपकी विंडो काफ़ी छोटी हो या ऐसी जगह लोकेटेड हो जहाँ से लाइट काफ़ी कम आती है. इसमें आप 2 चीज़ें कर सकते हैं. पहला तो ये कि आप अपने रूम को लाइट कलर से पेंट करिए, इधर वाइट या ऑफ वाइट, क्योंकि ये कलर्स लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं तो आपको रूम में रोशनी फील होती है. सेकेंड, आप ये कर सकते हैं कि आप आर्टिफिशियल लाइट्स थोड़ी सी ज़्यादा यूज़ करिए, और उसमें आप कॉम्बिनेशन यूज़ करिए वाइट लाइट्स एंड वार्म वाइट लाइट्स का. ये नेचुरल लाइट की फील देगा आपको. फोर्थ प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर आपके रूम में बहुत ज़्यादा नेचुरल लाइट है, अगर बहुत सारे विंडोज़ हैं तो वो भी अनकंफर्टेबल फील करवाती हैं. इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप हैवी कर्टन्स यूज़ करिए. हैवी कर्टन्स के साथ आप शेयर कर्टन्स भी लगा सकते हैं एट द फ्रंट. इससे ये होगा कि जब आपको ज़्यादा लाइट चाहिए यू कैन यूज़ शेयर कर्टन्स, और जब आपको लाइट कम चाहिए आप हैवी कर्टन्स लगाइए, जिससे आपको डार्कनेस की फील आएगी. और अगर हर वॉल में विंडो है तो आप कम से कम एक विंडो पैक करवा लीजिए कंक्रीट से या प्लाई पैनलिंग से. आज के 5th प्रॉब्लम ये है कि अगर आपका रूम काफ़ी बड़ा है, बड़े रूम में हमें ये करना चाहिए कि पार्टीशंस का यूज़ करिए, अपने एरियाज डिवाइड करिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बेडरूम है तो आप सिटिंग एरिया, बेड एरिया एंड ड्रेसिंग एरिया अलग अलग फॉर्म कर सकते हैं. एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप अपने फर्नीचर्स को कारपेट से बाइंड करके रखिए. जैसे अगर सिटिंग एरिया है तो आप अपने सोफ़ा, सेंटर टेबल्स, साइड चेयर्स, इन सबको एक कारपेट के थ्रू ज्वाइन करके रखिए, जो एक डेफिनेशन देगा उनको. और भी ऐसी कई प्रॉब्लम्स रहती हैं
जो अपने घर का या ऑफिस का इंटीरियर डिज़ाइन करते समय हमें फेस करनी पड़ती है। तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो आप मुझसे शेयर करिए ईमेल पे या कमेंट करके, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। एंड या डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ मैंने पोल क्रिएट किया हुआ है कि नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक क्या होना चाहिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं किसी न्यू टॉपिक के साथ। बाय बाय, अंटिल देन बी क्रिएटिव।